Dear students, today I am going to teach multiplication and division in algebraic expression. I think you have learnt in class 7, but I first know the fundamental operation plus into plus is equal to plus, minus into minus is equal to plus, plus into minus is equal to minus. Means same sign, like sign gives positive and unlike sign give negative. Means agar same sign rahegi तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट साइन का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा. जैसे 2 × 3 = 6, हियर 2 इज पॉजिटिव एंड 3 इज आल्सो पॉजिटिव, सो आर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. एंड −2 × −3 इज आल्सो 6. नेगेटिव एंड नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव. नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. दिस विल बी आल्सो प्लस 6. बट इफ 2 इज प्लस एंड 3 इज माइनस, 2 इज पॉजिटिव एंड 3 इज नेगेटिव, देन आवर प्रोडक्ट विल बी −6 नेगेटिव. और इफ 2 इज माइनस एंड 3 इज प्लस, आल्सो आवर प्रोडक्ट विल बी −6. इसका मतलब ये है कि अगर हम अनलाइक साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो निगेटिव होगा, और अगर लाइक साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो पॉजिटिव होगा. ये जानना बहुत जरूरी है, और यही मिस्टेक अक्सर होता है, तो इसको आप थोड़ा केयरफुली देखेंगे. We will take example. If you have to multiply a plus b into a plus b, मल्टीप्लाई करने के टू मेथड्स हैं, एक जनरल मेथड है और एक कॉलम मेथड है. तो जनरल मेथड में कैसे हम इसको लिखते हैं, a इंटू ए प्लस बी, मीन्स पहले इसका a ले लेंगे और पूरा एक ब्रैकेट लेते हैं, फिर यहां जो साइन है उसको यहां पुट कर लेते हैं, प्लस बी इंटू ए प्लस बी. अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक आई में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव है, इट विल बी ए स्क्वायर, प्लस ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, दोनों पॉजिटिव है इसलिए प्लस लिखेंगे, ए बी प्लस है, ए प्लस है, बी और ए दोनों प्लस है इसलिए प्लस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ए बी. प्लस बी में बी का करेंगे, प्लस में प्लस का करेंगे, प्लस हो जाएगा, बी में बी का करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी और ए बी ऐड हो जाएगा, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसी को हम लोग कॉलम मेथड से कैसे करेंगे, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी. यहां जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले मल्टीप्लाई से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें हम लोग 5 से 3 का करते हैं, ऐसा नहीं करते हम लोग, ऐसे एक का करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, इसमें राइट हैंड साइड से करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे. ध्यान क्या रखना है कि हमारी साइन का केवल ध्यान रखना है, साइन न गड़बड़ होने पाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली. एक का पहले एक का मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ए का बी में करेंगे ए बी हो जाएगा, फिर बी से ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस, ए बी प्लस, यहाँ प्लस निकलेंगे, और बी में का मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी हो जाएगा, फिर प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा, प्लस एंड बी इंटू बी इक्वल टू बी. और आप जानते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, और 1ab एंड 1ab, 2ab एंड b स्क्वायर. ये हमारे मल्टीप्लीकेशन का मेथड है. ये एग्जांपल छोटा है,
बट यही हर जगह फॉलो होता है, उसी तरह से करते हैं। या तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं या तो इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन होते हैं जनरली इसी मेथड से किए जाते हैं, छोटे मल्टीप्लिकेशन इस मेथड से हो जाते हैं बट बड़े मल्टीप्लिकेशन इसी मेथड से होते हैं। आपकी बुक से एक आध क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एंड टू एक्स प्लस थ्री। यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट, आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। दोनों मेथड के आप लोग यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन। हम मल्टीप्लाई करें 2x का एक्स स्क्वायर में 2x क्यूब माइनस 2 टू 3 या 6 एंड एक्स एक्स में होगा एक्स स्क्वायर, और 2 का 7 में करेंगे 2 7 जब 14 प्लस 14x प्लस 3 का x में करेंगे 3x स्क्वायर, फिर 3 का 3 में करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा 3 3 या 9x प्लस 3 7 जब 21। जो लाइक टर्म होंगे उसको एक साथ लिख के ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे साइन के साथ, जैसे ये माइनस सिक्स स्क्वायर है और ये प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, तो इसको एक साथ हम लोग लिख के ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे जैसा साइन रहेगा। उसी तरह 14x है, 14x यहाँ है और 9x यहाँ है, इसको भी एक साथ लिख के करेंगे। अगर यहाँ 21 जो था अगर कोई और भी कांस्टेंट होता तो उसको भी हम एक साथ लिख के ऐड सबट्रैक्ट करते, या एक्स क्यूब होता तो भी हम लोग करते। इट विल बी 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9x प्लस 21 माइनस 6 स्क्वायर एंड प्लस 3x स्क्वायर, इट विल बी माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस 14x माइनस 9x विल बी 5x प्लस 20। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कॉलम मेथड पे हम लोग जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन एंड टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स का करेंगे मल्टीप्लाई 2x क्यूब, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, साइन निगेटिव हो जाएगी 2 3 या 6 एक्स स्क्वायर, फिर 2x का 7 में करेंगे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव प्लस 14x, फिर 3 का एक्स स्क्वायर में करेंगे ये पॉजिटिव प्लस 3x स्क्वायर, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस 9x, प्लस का प्लस में करेंगे प्लस 20, देन इट विल बी 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 20। दैट इज योर आंसर, आप दोनों मेथड में किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, बट दिस मेथड इज जनरली यूज इन द लॉन्गर मल्टीप्लीकेशन, अगर लंबे लंबे दिए रहते हैं टर्म तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। बस आप केयरफुली साइन का ध्यान दें, अगर साइन आपकी गलत नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन गलत नहीं होगा, और अगर साइन गलत है तो फिर मल्टीप्लीकेशन सही भी नहीं होगा, इस बात का आप केयरफुली ध्यान करें रखें। Now we will learn division. अगर सिंपल
सिंपल सिंपल दिया, जैसे एट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस टू एक्स स्क्वायर, इसको आप जनरली लिख सकते हैं एट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान माइनस टू एक्स वाई, टू फोर जाए एट, एक्स से वन पावर कैंसिल एंड वाई से वन पावर कैंसिल, ये माइनस बचा हुआ है। हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव साइन को हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस फोर एक्स वाई, दैट इज योर आंसर। या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं एट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, टू में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट हो जाएगा, वो भी माइनस एट आना चाहिए, क्यों प्लस एट आना चाहिए, तो प्लस लाने के लिए हमको माइनस फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आ जाएगा, और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर आना चाहिए तो एक्स बाहर जाएगा, फिर वाई स्क्वायर भी आना चाहिए तो वाई जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर देंगे तो फोर टू जाइए एक्स में एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई को वाई में करेंगे वाई स्क्वायर, और सबट्रैक्ट करते समय हम लोग नीचे वाले नंबर का साइन क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, सो दैट विल कैंसिल। थोड़ा एक बड़ा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यू हैव टू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, इसको इससे डिवाइड कर, अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेथड नहीं काम करेगा, हमको फिर इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा, इसको करके हम लोग देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड यू हैव टू डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए प्लस बी से डिवाइड करना है। इस डिवीजन में इसका मोटा मोटा फार्मूला ये है कि हमको पहले केवल ए स्क्वायर को कैंसिल करना है, इधर को हम छोड़ देते हैं, बाकी नंबर्स को छोड़ देते हैं, केवल ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, ए में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अब कॉमन सेंस से हमको सोचना है कि ए में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ए स्क्वायर हो जाए, तो हम ए में अगर ए का मल्टीप्लाई कर दें, ए में ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाए, ए पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है इसलिए आप पॉजिटिव बाहर ही ले जाएंगे, क्योंकि प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, अब ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका साइन प्लस है फिर इसमें भी करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस में प्लस का करेंगे प्लस, ए में बी का मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा ए बी, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और टू ए बी माइनस ए बी करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए बी, साइन प्लस होगा क्योंकि टू बड़ा है इसलिए प्लस साइन हो गया प्लस बी। अब हमको ए बी को कैंसिल करना है, ये प्लस है ये प्लस है इसलिए हम प्लस बाहर ले जाएंगे, अब सपोज करिए अब बी का अगर ए में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है, प्लस में प्लस का करेंगे प्लस हो जाएगा, बी में बी का करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया मतलब ए ए प्लस बी से ए स्क्वायर प्लस टू ए बी को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा ए प्लस बी। एक बड़ा लेते हैं बुक से आपके, फाइव एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस एटीन एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स
प्लस थ्री। इसके लिए मैं जैसे अभी आपको बोला हूं कि हमको पहले वाले को ही केवल टर्मिनेट करना है, मतलब हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि प्लस फाइव एक्स क्यूब आ जाए। तो यहाँ प्लस है तो इसलिए प्लस ही हो गया, यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, नंबर पहले नंबर के आगे लिखा नहीं जाता, आप लिख भी सकते हैं। पहले फाइव से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक्स स्क्वायर में एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो फाइव एक्स का है यदि हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी फाइव एक्स क्यूब। अब इस 5x का इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 5 टू या 10 x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले नंबर का साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस 10x स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6x स्क्वायर होगा, साइन प्लस होगी cos 10, 10 जो है ये प्लस है इसलिए प्लस होगा, प्लस 3x। अब हमको यहां 6x स्क्वायर चाहिए तो x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे, जनरली केवल 6 से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, इट विल बी यहां 18 भी लिख लीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 6 टू जा 12x फाइव थ्री जा 15, सॉरी 5 थ्री जा 15, यहाँ 15 नहीं लिखे हम, 15 it will also change, 12x plus 18, so it will be 6x square minus 12x plus 18 after subtracting you will get your answer, it will be 5x plus 6, okay।